नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज के फेसबुक पेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ गर्दनी बाग में जहां पप्पू यादव एमएसपी की मांगों को लेकर तमाम किसान के द्वारा उपजाए गए अनाजों की पोटली लेकर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एमएसपी की मांगों को लेकर किसान जो सड़क पर उतरे हैं, यूरिया की किल्लत को लेकर किसान जो सड़कों पर उतरे उसके समर्थन में पप्पू यादव सरकार से मांगों को लेकर उतर चुके हैं सड़क पर। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हैं बिहार अमीन के वो परीक्षार्थी जिन्होंने बिहार अमीन का जो भी सरकार ने क्राइटेरिया बनाया था, तमाम परीक्षार्थी हैं सरकार के, तमाम मापदंडों को पास करने के बाद भी सरकार इनकी बहाली नहीं ले रही है। जो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया था वो उसमें इनकी बहाली को रद्द किया गया था, लेकिन सरकार ने जो बहाली निकाली थी अमानत के तमाम छात्रों के लिए, उन तमाम मापदंडों को पूरा करने के बाद ये लोग सड़क पर आज उतर रहे हैं। इस वजह से कि यहाँ जो इनकी बहाली को लेकर स्टे लगाया गया है, अमानत के तमाम सफल परीक्षार्थी हैं सरकार के तमाम मापदंडों को पार करने के बाद इन लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। विपक्ष हाथों हाथ ले रहा है, बेरोजगारी की समस्या जो है वो बिहार में लगातार बढ़ते जा रही है, और ऐसे में अमीन की रुकी हुई बहाली जो है वो इन लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर चुका है। बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे यहाँ मौजूद प्रदर्शन पर तमाम जितने भी छात्र बैठे हुए हैं। क्या लगता है हमें, आप लोगों की बहाली हो पाएगी? नहीं होगी तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करके जोर शोर से हल्ला बोलेंगे और डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं है, साथ नहीं देगी तो हम अलग से केस करेंगे बाहर से। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आपने जो नियम बनाया, संविधान में दर्ज कराया 2017 में, आपने उस हिसाब से किया, नियम आपने बनाया, बहाली आपने निकाला, आपने जो एग्जाम लिया, एग्जाम हमने दिया, पास भी किया, अब जब नियुक्ति की बारी आई तो आपने बहाली को कैंसिल कर दिया, इसमें हमारी क्या गलती है? गलती तो आप लोगों की है ना। अगर आप हमसे अमानत की डिग्री खोजते हैं तो आप उसके लिए स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, तब ना हम डिग्री ला करके देंगे। फर्जी डिग्री खरीद के ला करके देंगे तो क्या आप बहाली करेंगे? आप बहाली में सिलेक्शन करेंगे हमारा? नहीं ना। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो रहा है? हम रोड पर बेटियां ऐसे रोड पे बैठी हुई हैं, बौख रही हैं इधर से उधर। नीतीश कुमार जी, ये हमारी हार नहीं, ये आपकी हार है। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी जो है कि नियुक्ति की जाए। हमारे जो ये केस किया गया है इस पे डबल बेंच केस फाइल करके जो है कि हमारे नियुक्ति की जाए। एक तरफ पप्पू यादव धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो इन लोगों के समर्थन में आए, इन लोगों के लिए अपने धरना स्थल से आवाज उन्होंने उठाया है। दूसरी तरफ सरकार के तमाम मापदंडों को पार करने के बाद भी आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। नियुक्ति नहीं हो रही, सरकार सो रही थी। जब हाईकोर्ट में हम लोग का सुनवाई चल रहा था, इतना निकम्मा सरकार है कि यानी सुनवाई में प्रेजेंट तक नहीं हुई, नहीं बोल पाएंगे। क्या क्या कहेंगे तमाम परीक्षार्थी जो है वो सड़क पर है, चाहे हम दारोगा बहाली प्रक्रिया को ले ले या कुछ भी ले ले इस तरह के, तो सरकार लाठी चार्ज कर देती है। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन? बैठे नहीं रहेंगे, अगर निर्धारित समय में सरकार PIL फाइल नहीं करती है तो हम लोग LRC डिपार्टमेंट के गेट नंबर 4 पर जाके सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग के मरने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। हमारे गाँव में सभी लोग जान गए कि इनके पुत्र का अब सरकारी नौकरी लग गई है, और अब जाने में भी घर डर लगता है। लोग इस तरह से बेइज्जत करते हैं कि झूठ मूठ का हल्ला करता है कि जॉब हो गया है, अब हमारा घर जाना दुश्वार हो गया है। ऐसे ही तो पिछले 3 साल से हम नहीं जा रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहां से? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मैं जम्मू जिला टाल सरसा गांव से। पटना में रहकर पढ़ाई करता हूं? जी, मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूं। आशा है एक दिन सरकार आपकी बात सुनेगी। देखिए, उसी के कारण तो हम बैठे हुए हैं, शायद सरकार को सद्बुद्धि आए कि हमारी बात को सुने, समझे, हमारा साथ दे, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बने हुए हैं, लगातार नारेबाजी भी हो रही है कि जो सरकार से अपील लगातार कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो MSP की मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी इनके समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। क्या लगता है, तमाम तरह के स्टूडेंट सड़क पर हैं, आप लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी? सरकार को सुनना ही पड़ेगा, जब सरकार मेरिट निकाल दी तो हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए ही।
पहले ही जब हो चुका कैबिनेट में पास हो गया कि बिहार में 12th वाले लोग अमीन बन सकते हैं, तो सरकार इसको एक्शन लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट इसको गलत रद्द किया है। हमें बस जल्द से जल्द 1767 अमीन की नियुक्ति चाहिए जो कि पटना से हैं। जी, सरकार ने जब इस बहाली की प्रक्रिया को शुरू किया था, उन्होंने अपने एक क्राइटेरिया को बनाया था। उन तमाम क्राइटेरिया को ये परीक्षार्थी जो है, ये सफल परीक्षार्थी, इन्होंने पास किया था उन तमाम क्राइटेरिया को, और उसके बाद इनकी नियुक्ति पर स्टे लगाना कहीं से भी न्याय के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ये लोग बैठे हुए हैं लगातार। हम इनसे बात करें, आप कहाँ से आए? औरंगाबाद से। सड़क पर उतरने वाले स्टूडेंट्स पर पहले भी लाठीचार्ज हुई है, आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए आएंगे? आना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग कल से ही धरना पे बैठे हुए हैं। फिर भी कल ही सुबह में आया है पेपर में न्यूज कि रद्द कर दिया गया है, सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इसलिए हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। हम लोग का अपना हक मांग रहे हैं, किसी और का हक नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का अपना चाहिए, हम लोग का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग ले। जब सब कुछ फाइनल था, सब कुछ सही था, मेरिट बना दिया, ज्वाइनिंग होने वाला था, तो ये कहाँ का न्याय है कि अचानक रद्द कर दिए जाए? वो भी 1767 पोस्ट के लिए कुछ चंद लोगों ने जाके बोल दिया तो उसका बात का वैल्यू हो गया, और इतने लोगों जो मेरिट लिस्ट में है उन लोगों का बातों का वैल्यू नहीं रहेगा। जब बहाली लेनी नहीं थी तो बहाली निकाला क्यों? पहले ही रद्द कर देता। 2019 से वैकेंसी, बिहार का यही हाल है, कोई भी वैकेंसी आता है 5 साल 6 साल 7 साल लगा देता है। किसी का एज खत्म होने वाला है, किसी का लास्ट चांस है, किसी का घर से परमिशन नहीं मिलता है बाहर रह के पढ़ने को, और वही बेटी आज सड़क पे आ गई है। घर के फैमिली लोग देखेगा तो उन लोग क्या सोचे, उन लोग पे क्या बीतेगी? इसलिए हम लोग का सहारा यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए। सरकार जो भी अपना फैसला किया है, क्या सोच के किया है क्या नहीं, ये सब अपना वापस ले और हम लोग का ज्वाइनिंग दे। हम लोग अपना मेरिट लिस्ट से यहाँ तक आए हुए हैं, वो भी 3 साल टाइम वेस्ट करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। उचित मांग है इनकी, और ये बिहार के एक परंपरा में शामिल होते जा रहा है कि जितने भी सरकारी बहाली प्रक्रियाएं आती है, सरकार के द्वारा बहाली जो लिया जाता है, उन तमाम परीक्षाओं के बाद जो है स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं सड़कों पर जरूर देखा जाता है अपनी मांगों को लेकर। इनकी जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द नहीं की जा रही है। तमाम सरकारी योजनाएं की अगर हम बात कर ले, सरकारी परीक्षाओं की अगर हम बात कर ले, खास करके बिहार में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें, तो लगातार सड़क पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बने हुए रहते हैं, उन पर लाठी चार्ज भी पहले किया जाता है। सरकार को इनका बस एक ही सवाल है कि सरकार को जब बहाली लेनी नहीं है तो उसकी प्रक्रिया को शुरू क्यों करता है, उस बहाली को निकालता ही क्यों है जब पदों की खाली है। खाली पद जब पड़े हुए हैं तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, जिन्होंने तमाम प्रक्रिया को, तमाम सरकार के मापदंडों को पास किया है, उसके बावजूद भी सरकार इनकी बहाली क्यों नहीं ले रहे हैं, इस मांग को लेकर आज अमानत के तमाम वो लोग यहाँ मौजूद है जिन्होंने परीक्षा को पास किया है। इनकी नियुक्ति सिर्फ होने के लिए बची हुई थी, लेकिन सरकार जो है इनको नियुक्त नहीं कर रही है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा से आए हैं। नियुक्ति नहीं ले रही है सरकार? सरकार एग्जाम लेने के बाद, रिजल्ट देने के बाद भी नियुक्ति नहीं ले रही है। अब खाली ज्वाइनिंग बाकी, ज्वाइनिंग बाकी है। कुछ सिर्फ जो देखिए वही तो अभी अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया है। सरकार से आग्रह है कि जब कोर्ट का डिसीजन आया तो जो नोटिफिकेशन में था कि जो भी है, जो सरकार अपने नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन के आधार पर एग्जाम लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद मार्क्स भी जारी किया, रिजल्ट भी दे दिया गया, बस ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग देने से पहले फैसला आ रहा है हाई कोर्ट का कि आपका बहाली रद्द किया जा रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आप एग्ज़ाम लिए, कितना मेहनत से लड़का प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए, एक बार गोल्डन चांस मिलता है, कोई का लक हुआ हो गया, कोई का लक हुआ नहीं हुआ, तो हमारी तो सारी मेहनत गई एग्ज़ाम में। अगर हम सुसाइड करते हैं, कोई लड़का अगर सुसाइड कर ले रिजल्ट के चक्कर में, अब इस समय देख रहे हैं देश में बेरोजगारी कितना है, बहुत मुश्किल से तो रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट आया हुआ उसके बाद आप बोल रहे हो कैंसिल हो गया, तो ये लड़का हम लोग क्या करें? सरकार इसका जवाब दे। जब आप यहाँ जो कोर्ट डिसीजन दे रहा है कि आप बहाली अच्छे से नहीं लिए, अमानत का डिग्री वाले को, जो अमानत का डिग्री लिए थे, अमानत का डिग्री उन्होंने केस फाइल किया था, तो अब जब नोटिफिकेशन में सीधी लिखा हुआ है कि जो अमानत का डिग्री है उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, एग्जाम तो आपको देना ही है।
जो अमानत का डिग्री नहीं लिया उसको 25। पहले यह था कि अमीन वही बन सकते हैं जो अमानत का डिग्री जिनके पास है, लेकिन इनकी समुचित व्यवस्था पढ़ाई के नहीं होने के बावजूद सरकार ने यह कर दिया कि 12th का एग्जाम पास करिए और आप अमीन बन सकते हैं। क्राइटेरिया पूरा क्राइटेरिया था, जो 12th पास किया हुआ वो फॉर्म फिलअप करेगा, तो जो आप क्राइटेरिया थे उसके अनुसार हम फुलफिल है ना, तो मेरी क्या, हाँ मेरी क्या गलती है इसमें? तो यहाँ सरकार कोर्ट चला रहा है या बिहार सरकार चल रहा है, ये सरकार को डिसाइड करना पड़ा। आपने जो नियम बनाया है, आपने जो नियम बनाया है, जो विधानसभा या विधायिका से जो चाहे जो डिपार्टमेंट नियम बनाता है उसके हिसाब से जब आप फॉर्म भरवाएं, एग्जाम लिए, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है, तो यहाँ तो संशय हो रहा है कि सरकार, बिहार सरकार चला रहा है या पटना हाईकोर्ट चला रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार को शिक्षित बनाने की जो कवायद चल रही है, अच्छी बात है, आप लोगों को शिक्षित बनाइए, लेकिन शिक्षित लोगों को रोजगार कौन देगा? शिक्षित लोग कहाँ जाएंगे रोजगार मांगने के लिए? जो आपने क्राइटेरिया बनाया था उनको आपके तमाम मापदंडों पर ये परीक्षार्थी उतरे हैं और इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अमीन बनने के लिए ये परीक्षार्थी चले थे, तैयारियां भी इन्होंने कर ली थी। पहले ये था कि जिनके पास अमानत की डिग्री है वही अमीन बन सकता है, फिर सरकार ने बदलाव किया, 12th के बाद 12th के बाद आप अमीन बन सकते हैं। आपने तमाम मापदंडों को पार किया लेकिन फिर भी आपकी बहाली रोक दी गई, और जबकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब कई हर को पता चल गया, सुसाइड करने के सिवा कोई उपाय ही नहीं है, सीधे सुसाइड कर लेंगे। नहीं, ये कोई रास्ता नहीं हुआ, आगे प्रदर्शन आगे आपका जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, सुनवाई चाहिए, और क्या, सरकार से हमें हाई कोर्ट से डबल बेंच सुनवाई चाहिए, हमें सीधे ज्वाइनिंग चाहिए। जब बहाली नहीं लेनी थी तो प्रक्रिया क्यों शुरू किया हो गया? वही तो, सीधे पहले ही लिखा रहना चाहिए था कि उसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए, हर चीज चाहिए। जब हो गया तो अब जो भी मतलब बदलाव करना अगले बहाली में कीजिए। हम तो आए मसौरी से, आराधना सुमन लगातार यूं ही बैठे रहे, हाँ सुबह से आए हुए, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार हमेशा बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ लिख के अब बैठ के रोड पे बैठे हुए हैं, और क्या करें हम लोग। तो निश्चित तौर पर इनका सवाल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से है कि उन्होंने जो बहाली प्रक्रिया लाया था बिहार में, उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बनाया था इसको लेकर, उन तमाम मापदंडों को ये तमाम छात्रों ने पूरा किया, लेकिन फिर भी इनकी बहाली रोक दी गई, इनकी नियुक्ति रोक दी गई। बहाली तो आई थी लेकिन इनकी नियुक्ति रोक दी गई थी, तमाम चीज़ों को पास करने के बावजूद भी। अब सवाल इनका ये है कि ये रोजगार के लिए जाएंगे कहाँ? बने हुए हैं भूखे प्यासे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और अब देखने वाली बात होगी कि तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आती है और सरकार के कौन से नुमाइंदे इनसे बात करने के लिए आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।